आज का कार्यक्रम निनाद 2022 हम प्रारंभ करने जा रहे हैं शुभ वाद्य शहनाई से। शहनाई का नाम हो और लोकेश आनंद जी का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। आपका नाम संगीत जगत में एक विशेष प्रेरणादायी वादक के रूप में जाना जाता है। आज शहनाई जैसे वाद्य को जनप्रिय और विशेष स्थान बनाए रखने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। आपने 8 साल की उम्र से ही संगीत की शिक्षा अपने पिता श्री कालीचरण जी और पंडित अनंत लाल दयाशंकर जी के सानिध्य में प्राप्त की। उसके बाद संगीत की बारीकियों और विशेषताओं को समझने के लिए एवं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपने संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी से मेवाती घराना का शिष्यत्व ग्रहण करके अपने वादन के कला एवं तकनीकी पक्ष को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। गायकी के अंग से शहनाई की तकनीकियों के साथ अपनी कला की प्रस्तुति उनकी विशेषता बन गई तथा बड़े बड़े शहनाई वादक एवं अन्य संगीतकारों से भी आप प्रेरित होकर अपनी कला में नया निखार एवं नया प्रभाव पैदा करने में हमेशा तत्पर रहते हैं। आपने भारत के विभिन्न बड़े बड़े संगीत महोत्सव में भाग लिया, जैसे ताज महोत्सव आगरा, जलसा आकाशवाणी संगीत सम्मेलन, तानसेन संगीत सम्मेलन, सप्तक, हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन, पंडित मणिराम एवं मोतीराम उत्सव, संकटमोचन संगीत सम्मेलन आदि। इसके अतिरिक्त आपने विदेशों में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर अपनी कला का परचम लहराया तथा श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया, जैसे जापान, मलेशिया, हांगकांग, नेपाल, रशिया, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, भूटान, चाइना, इटली आदि। आपने शहनाई की कई जगह कार्यशालाएं भी एवं कई फिल्मों में, नाटक में, सिम्फनी में भी संगीत दिया है। आपको अपनी अद्भुत प्रभावशाली चमत्कारिक शहनाई वादन के लिए कई सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है, जैसे शहनाई रत्न, अभिनव कला, संगीत साधक, सुरमणि, यश कला, स्वरवेणी रत्न, अनहद नाद ब्रह्म, संगीत कला गौरव आदि। आपको तुर्की में जुर्ना जीन फेस्टिवल में प्रथम भारतीय कलाकार की प्रस्तुति के रूप में सम्मानित किया गया। आपको आकाशवाणी दिल्ली से विशेष ए ग्रेड कलाकार के रूप में सम्मान मिला। निनाद महोत्सव के 58वें अनुष्ठान में आपको पंडित केशव रघुनाथ तलेगांवकर जी की पुण्य स्मृति में स्थापित संगीत नक्षत्र के मानद सम्मान से विभूषित किया जा रहा है। तो मंच पर आसीन है पंडित लोकेश आनंद जी। आज आपके साथ संगत पर हैं बनारस के बहुत ही विशिष्ट तबला वादक श्री श्रुतिशील उद्धव जी। आपका जन्म महाकाल की नगरी, जिसे अवंतिका नाम से भी जाना जाता है, उज्जैन में 26 सितंबर 2000 को एक सांगीतिक परिवार में हुआ। आपके दादा जी पंडित मनोहर उद्धव एक तेजस्वी वक्ता और संगीत मर्मज्ञ थे। सांगीतिक संस्कार आपको अपने दादाजी से ही प्राप्त हुए। तत्पश्चात आपने पिता प्रोफेसर प्रवीण उद्धव जी से तबले की शिक्षा ली। बचपन से ही घर में संगीत का माहौल मिलने से आपका लय ताल के प्रति विशेष जुड़ाव रहा। मात्र 2.5 साल की अल्पायु से ही आप तबला वादन कर रहे हैं। कठिन लयकारी उपज तिहाई में आपकी विशेष रुचि है, जिसे आप बड़ी सरलता से प्रस्तुत करते हैं। आप 10 वर्ष की अवस्था से विभिन्न तालों में स्वतंत्र वादन प्रस्तुत करते हैं। आप संगीत जगत के उभरते हुए कलाकार हैं। आपने अपनी वादन शैली को बहुत विकसित किया। आपके स्वतंत्र वादन में पेशकार का अनूठा रूप, विभिन्न घरानों के कायदों का प्रयोग, साफ बोलों दाएं एवं बाएं का संतुलन और उसकी सूझ के साथ प्रयोग श्रवणीय है। वर्ण विकास, गतिमानता, अद्भुत सफाई के साथ साथ आकर्षक प्रस्तुति से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। स्वतंत्र वादन के साथ संगत में भी आप निपुण हैं। गायन में मधुर ठेका भरी एवं साथ संगत में उपज के साथ आप गायन में 4 चांद लगा देते हैं। तंत्रवादियों के साथ भी आप बड़ी सूझबूझ एवं विभिन्न ठेका प्रकारों से वादन को सुंदर बनाते हैं। तबले के साथ साथ आप अन्य वाद्य जैसे पखावज, हारमोनियम तथा विभिन्न पाश्चात्य वाद्य जैसे जेम्बे, कुहून, तरबुका का आदि का भी अद्भुत वादन करते हैं। आप आधुनिक संगीत जैसे फ्यूजन की सफल प्रस्तुति के साथ साथ घरानों का पारंपरिक तबले को भी बखूबी से प्रस्तुत करते हैं। शहनाई पे आपके साथ आज जो संगत कर रहे हैं उनका नाम है भागवत किशोर जी, उनका भी हम इस मंच से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सभी
गुणीजनों को और सभी सुधीजनों को मेरे मंच की ओर से प्रणाम। ये संस्था से मेरा परिचय पिछले एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन शायद 25 या 30 सालों से करीबन है। और इसी मंच पर मुझे जब मैं बहुत शुरुआत में शहनाई बजाता था तो इतना बड़ा मंच मुझे केशव भैया ने उस समय पे प्रदान किया था और बहुत बड़े बड़े कलाकारों ने प्रस्तुति दी थी। तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं आज मेरा जो ये स्थान है वो केशव भैया की देन है, क्योंकि उत्साहवर्धन जो वो कलाकारों का करते थे वो बहुत सराहनीय था। मैं आप सबका आशीर्वाद, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद और केशव भैया और भाभी जी को प्रणाम करते हुए और आशीर्वाद लेते हुए राग हेमंत से शुरू कर रहा हूँ। आज्ञा।
मन से इतना अच्छी तरह बजाना और मन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है जब तक कि हम किसी चीज़ से मन से ना जुड़ें। तो मैं लोकेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। जब हमने उनसे कहा तो कुछ पूछने बोलने की ज़रूरत ही नहीं लगी, बस मैं आ रहा हूँ। और आज भी वो तबीयत से थोड़े ठीक नहीं है, लेकिन ना ठीक होने के बाद ये हाल है, अगर ठीक होते तो क्या होता। तो मैं बहुत बहुत लोकेश भैया का धन्यवाद करूंगी कि आप हमारे मंच पर आए और उसकी इतनी शोभा बढ़ाई। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्री अमरीश पटेल जी को और श्री अनिल वर्मा जी को कि वो मंच पर आएं। लोकेश भैया के लिए संगीत नक्षत्र, जो कि हमने पिताजी के नाम का सम्मान प्रारंभ किया है, उसका वाचन करने जा रही हूँ। पंडित रघुनाथ तलेगांवकर फाउंडेशन ट्रस्ट आगरा, संगीत कला केंद्र आगरा, संगीत महर्षि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी की पुण्य स्मृति में स्थापित संगीत निनाद महोत्सव 2022 58वां अनुष्ठान, अभिनंदन पत्र, प्रतिष्ठा में सम्माननीय विद्वत संगीत मनीषी पंडित लोकेश आनंद जी, सुविख्यात शहनाई वादक दिल्ली की सेवा में सादर समर्पित। आपके द्वारा की जा रही शाश्वत नाद की अनवरत सेवा, संरक्षण एवं समर्पण भाव को हम नमन करते हैं। पंडित केशव रघुनाथ जी ने नाद ब्रह्म के प्रति सत्य निष्ठा एवं निस्वार्थ सेवा से संगीत रूपी ब्रह्मांड में नक्षत्र की भांति संपूर्ण जगत को आलोकित किया। ऐसे बहु प्रतिभावान स्तुत्य एवं यशस्वी देव मूर्ति को हम स्मरण कर आपकी सतत साधना को हम वंदन करते हैं। पंडित रघुनाथ तलेगांवकर फाउंडेशन ट्रस्ट एवं संगीत कला केंद्र आगरा द्वारा आयोजित महर्षि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर संगीत समारोह के 58वें सांगीतिक अनुष्ठान में निनाद महोत्सव के अंतर्गत आपको विशिष्ट उपलब्धि हेतु पंडित केशव रघुनाथ तलेगांवकर जी के पुण्य स्मरण में स्थापित संगीत नक्षत्र के मानद सम्मान से विभूषित कर आपके स्वस्थ एवं दीर्घायु होने की कामना करते हुए अपने को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। हाँ, मैं आपके यशाकांक्षी विजयपाल सिंह चौहान अध्यक्ष, अनिल वर्मा उपाध्यक्ष, श्रीमती प्रतिभा केशव तलेगांवकर प्रबंध न्यासी एवं सचिव। आपके साथ शहनाई प्रसाद दिया है श्री भागवत किशोर जी ने, इनका भी हम संस्था की ओर से सम्मान करने जा रहे हैं। श्रुति श्री का भी हम इस मंच से सम्मान करेंगे। अभी उनकी और भी प्रस्तुतियां बाकी हैं, एकत्रित प्रस्तुतियों का हम सम्मान बाद में करेंगे। श्रुतिशील बहुत अच्छा बजाया, बहुत अच्छा। कभी कभी कुछ पुण्य आत्माएं ऐसी होती हैं जो अपना काम स्वयं करा लेती हैं, उसमें से एक हैं पंडित रघुनाथ तलेगांवकर और पंडित केशव जी। कभी कभी कैसे मन की इच्छा होनी चाहिए और होकर क्या आ रहा है उसमें बहुत फर्क हो जाता है। तो आज जितने भी लोग हैं वो शायद पिताजी की मन के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, मैं आप सबका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि आप सब हमें इतना प्यार, इतना सम्मान देने के लिए पिता के भौतिक रूप से ना होने पर भी आज उपस्थित हैं। इसके लिए हम सभी परिवारीजन पूर्ण ट्रस्ट आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं।